आओ 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 बोलो आओ 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 सारे बोलो आओ आओ। यहाँ पर बस सुबह अर्ली मॉर्निंग बैठ जाइए, शाम को बैठ जाइए, बड़ा ही मज़ा आता है। स्पेशली ये देखो, ये रूम्स हैं, रूम्स की बालकनी से ये जो एम्बियंस देखने को मिलेगा। और सबसे खास बात है यार, ये हिमाचल नहीं है, ये हरियाणा है, और हरियाणा की एकमात्र पहाड़ियों के बीच ये रिजॉर्ट बना हुआ है। गुड मॉर्निंग है जी, क्या हाल चाल है आपका? और बज़ूका वर्ल्ड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नाम है मेरा मुनीश, और आज एक व्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। आज एक ट्रैवल शो शूट करने वाला हूँ, और उसके साथ साथ आपको लेके जाऊँगा जी मोरनी। अभिशेष जी परी किला कह रहे हो? अच्छा, ये प्रधान साहब हैं, ये सोसाइटी है पूरी। गुड मॉर्निंग। शूट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम? मोरनी हिल्स। और मोरनी में क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं वो सब कुछ आपको बताऊंगा और आपको साथ लेके जाऊंगा। तो ये जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग सी होने वाली है पांडे साहब। सो आज बेसिकली जो शूट होने जा रहे हैं, वो शूट शिव भाई भी हैं, पांडे साहब भी, और अंदर पाजी भी बैठे हैं, तो जा रहे हैं। सो पांडे जी का पैनासोनिक रेडियो बाई गॉड। सो ये पहला एंकर लिंक शॉट हमने कहाँ किया है? ये ब्रिज पिटू सी दी है, यहाँ से चंडीगढ़ शुरू हो रहा है। तो ये पांडे जी हैं, ये शॉट ले रहे हैं। ये पांडे जी शेर व शायरी बड़ी अच्छी करते हैं, इनकी शेर व शायरी सुनाएंगे आपको थोड़ी देर में। वाइड एंगल दे दिया आपको, बहुत बढ़िया होने वाला है ये सफ़र, जुड़े रहे हमारे साथ। ये देखो यार, ये इनकी बाइक है, और हम अभी बाइक से थोड़ा सा ट्रेवल करेंगे इनकी। आ गए हैं जी। तो पांडे साहब देखो यार, कैमरा कर लिए पांडे साहब ने, शिव भाई ने कैमरा पकड़ा हुआ है, थोड़ा सा ब्लॉग भी शूट हो रहा है। और ये ऑलमोस्ट सारे एंकर लिंक्स खत्म हो चुके हैं। शिव भाई बोल रहे हैं कि गाड़ी में एंटर करने का शॉट लेना है, तो वो एक लास्ट शॉट बचा, उसके बाद सीधे कहाँ मिलेंगे? मोरनी के रास्ते में। और परी को थैंक यू, परी थैंक यू, आपके भाई का, आपने पूरी स्पोर्ट्स बाइक बना रखी है पल्सर को। दूर से नमस्ते। जैसे ही आप चंडीगढ़ से पंचकुला आते हैं, तो पंचकुला में पहला डेस्टिनेशन शिमला रोड पकड़ते ही आपको मिलेगा जी नाडा साहिब गुरुद्वारा। सो दिस इज नाडा साहिब गुरुद्वारा। सो बाबा जी का आशीर्वाद ले लिए जी। सो नाडा साहिब गुरुद्वारा। तो मैगी चाय, मैगी चाय, मैगी चाय, मैगी चाय, मैगी चाय, मैगी चाय, चाय पिला दो। तो ये पांडे जी मैगी भी दबा दब दबा दब दबा दब खा रहे हैं, तभी इनका पेट थोड़ा मतलब है। काम भी कर रहा है भाई, काम भी बहुत किया पांडे जी काम। तो मैंने मैगी खा ली है, उसके शॉट्स आपको शो में देखने को मिलेंगे, मेरे शॉट्स यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे, ज़्यादातर शॉट्स वहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ बिहाइंड द सीन्स देखने को मिलेंगे। तो मैगी पॉइंट से मैगी ले लिए, चने ले लिए, ब्रेड ले लिए, थर्ड डेस्टिनेशन लिए, दैट इज टुवर्ड्स मंकी फीडिंग पॉइंट। राइट राइट राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि भैया, जब भी आप मंकीज़ को फीड करें, सो फीड सड़क के आसपास बिल्कुल ना करें। यहाँ पर एक पॉइंट बना है, चबूतरा बना है, स्पेशली एक मंदिर है उसके पास एक चबूतरा बना है, अगर आपको फीड करना है तो वहाँ तक जाया जाए और वहाँ पर जाके ही फीड किया जाए, विच इज़ वेरी गुड। सड़क पर करेंगे तो क्या होता है कि सड़क पर कोई चीज़ रह जाए तो बंदर की जान को खतरा है,
और लोगों की जान को खतरा है, तो इसीलिए आप सड़क पे बिल्कुल फीड ना करिए। सड़क पे जैसे कई लोग डाल देते हैं ना दाने ब्रेड या कुछ, पहली बात तो फीड ना करें, अगर करना है तो फिर भैया आप सड़क के साथ ही एक राइट साइड को एक मंदिर आता है, वहाँ जाके आप बंदरों को फीड कर सकते हैं। बिल्कुल ना सुख हो, अपनी गड्डी से रख लियो, व्हेन यू गो बैक टू चंडीगढ़ यू हैव टू थ्रो इट इन द डस्टबिन, और यहाँ रास्ते पे डस्टबिन मिलेगा उससे सुटना, बिकॉज इट इज़ वेरी डेंजरस। जो अगर तुम पॉलीथिन भी छोड़ दें दो सड़क से या पीडी पॉइंट छोड़ दें दो तो बंदरा ही जानू खतरा होता है। बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है यार, enjoying like anything and you can see the natural peeing on pig. तो monkey feeding भी होगी, बच्चे ना entertainment भी हो गया, and now let's go to the next destination. केड़ा destination होएगा, यानी कि चौथा केड़ा destination होएगा मनु भी नहीं पता, let's travel together, आ जाओ। यार बड़ा मजा आया यार, पहले आप चारा लेके आइए फिर बोलिए आओ 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 और फिर मंकीज आ जाते हैं, लेकिन सड़क पे अगेन बिल्कुल मत डालिएगा चारा, बिकॉज इट्स वेरी रिस्की। ओके सो वी आर शूटिंग अ व्लॉग राइट नाउ एंड आई हैव अ वेरी गुड ग्रुप, बाय बाय। भैया जब आप मोरनी पहुंच जाते हो तो मोरनी पहुंचने के बाद ये रोड जाएगी जी मोरनी विलेज में, और यहाँ पर आपको टिक्कर ताल का बोर्ड मिलेगा, टिक्कर ताल लेक कॉम्प्लेक्स टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, ये गवर्नमेंट का एक कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पर बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ भी होती है, आसपास एक म्यूज़ियम भी है शायद, उसको भी ढूंढने की कोशिश करेंगे एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। तो चलो चलिए, तो भैया ये 4 किलोमीटर चल के आ चुके हैं, और ये लेक, ये देखो सामने लेक टिक्करताल लेक, ये टॉप व्यू है, इसलिए ड्रोन श्रोन तो है नहीं तो टॉप व्यू ले रहे हैं और ट्रॉप व्यू दिखा रहे हैं। ये देखो यार ये खुली वादियाँ, ये खुला आसमां, और कितनी अच्छी लग रही है यार टिक्करताल लेक विच इज़ वेरी गुड। और यहाँ पर भी एक लेक बनी है, ये वैसे टिक्करताल है और ये दूसरी लेक है, और ये देखो यार स्पाइरल्स, ये पूरा यार पहाड़ों में आने का मज़ा ही कुछ और आ जाता है, और यहाँ पर शूट करके कुछ अलग सा एहसास, अलग सा मंजर, बहुत मज़ा आता है यार। तो जी ये है टिक्करताल लेक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर आपको रूम्स भी हैं, रेस्टोरेंट भी है, बोटिंग भी है, डोरमेट्रीज भी है, और डोरमेट्री की खास बात है यार 16 लोगों का अगर ग्रुप आ जाए ना वो यहाँ पर एसी डोरमेट्री में रह सकता है, और बहुत ही अच्छा एम्बियंस देखने को मिलेगा। एनीवेज ये यहाँ की एंट्री है, और सबसे खास बात है रूम आपको मिल जाते हैं 2000 रुपये में, डोरमेट्री पर बेड आपको 400 रुपये में मिलेगा, प्लस यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है यार, ओपन रेस्टोरेंट है, बिकॉज ये है ओपन रेस्टोरेंट, इनका एक एसी रेस्टोरेंट भी है बट दैट इज़ क्लोज ड्यू टू कोविड। सो ये सुसाइड पॉइंट पे आ चुके हैं सारे, सुसाइड पॉइंट है। हाँ हाँ
और बहुत रिस्की है। ये देखिए हमारा खतरा खिलाड़ी और खिलाड़ी भी चढ़ी हुई है, बस वो उसने पोज स्टार्ट किया और एंड वहीं कर दिया है, मतलब वो आगे नहीं चल रही है क्योंकि उसे रिस्क है। रिजॉर्ट की खास बात है कि इसकी 16 सीटर डोरमेट्री है और आपको दिखाते हैं भैया एक्सक्लूसिव डोरमेट्री, और मैनेजर साहब हमारे साथ हैं। सो इट्स लाइक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और बाहर देखिए यार अगर आप पर्दा आउट करेंगे तो ये एम्बियंस आपको देखने को मिलेगा।